वर्तमान रो बड़ खबर सहित बिग ब्रेकिंग न्यूज को आपन मन को स्वागत करू छी मु जागृति महांती जो कथा कहूतली मु जे बड़ खबर आरंभ करबा बुलेटिन राज्यसभा परे बे लोकसभा रो पाळी आज संसद रो निम्न सदन अर्थात लोकसभा रे आगत हबो जम्मू कश्मीर कुने धारा 370 उच्छेद संपर्कित विधेयक राज्यसभा रे गतकाली पारित होई छी कश्मीर संपर्क रे संविधान रे थिबा धारा 370 आज लोकसभा रे एही विधेयक उपस्थापन करा जबा सहित आलोचना परे वोटिंग ने आजिबो एहा पूर्वरु गृह मंत्री अमित शाह कहिसंती जे कश्मीर रे दारिद्र्य रो बड़ कारण हेउछि एही धारा तबे धारा 370 कारण रु ही राज्य रे विकास होई पारि नाहि ए निष्पत्ति परे कश्मीर रे अशांति सृष्टि होवानी विरोधी जे आशंका करूछंती ता उपरे स्पष्ट करिसंती गृहमंत्री कहिसंती किछि हेबो नाही कश्मीर स्वर्ग थिला स्वर्ग ही रहिबो तबे आपण माने लोकसभा भितर रो ताजा चित्र देखुछंती वर्तमान lay on the table of the house papers listed against my name at serial number 4 in the revised list of business for today 6 August 2019 item number 5 shri ashwini kumar chauhan ji adhyaksh mahoday main aapki anumati se aaj ki sanshodhit kar suchi ke kram sankhya 5 par mere naam ke samne ullekhit kagzat ko sadan ke patal par prastut karta hu item number 6 shri arjun ram meghwal ji Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House mentioned against my name at serial number 6 in the today's revised list of the business. Item number 7, Sri Krishna Pal ji. Maniya Adhyaksh Mahoday, main aaj ki karya suchi mein kram sankhya 7 par apne naam ke samaksh sujibad dastavezon ko sadan ke patal par rakhta hoon. Item number 8, Sri Purushottam Rupala ji. Respected sir, with your permission, I lay the paper shown against my name at serial number 8 of the revised list of business in the Lok Sabha on the table. Item number 9, Sri Nityanand Rai ji. Maniya Adhyaksh Mahoday, main aaj ki suchi sanshodhit kar suchi mein karmang sankhya 9 par mere naam ke sammukh likhit dastavez ko sabha patal par rakhta hu. Item number 10, Sri Kailash Chaudhary ji. Maniya Adhyaksh Mahoday ji, मैं आपकी अनुमति से आज दिनांक 26/8/2019 की लोकसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11 श्री अश्विनी कुमार चौबे मैं आपकी अनुमति से डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे और डॉक्टर हीना गावित संसद सदस्य द्वारा ब्लड बैंक के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 397 के संबंध में 19 जुलाई 2019 को दिए गए उत्तर में शुद्धिकरण और दूसरा उत्तर में शुद्धिकरण में हुए विलंब के कारण को बताने वाले वक्तव्य हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 से 14 पर एक साथ चर्चा की जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी महोदय मैं ये संकल्प करता हूं कि यह सदन अनुच्छेद 303 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के जिसे नामत निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे इस बात के सिवाय कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश आदेश उपनियम नियम विनिमय अधिसूचना रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन
अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं, कल इस सभागृह ने राष्ट्रपति महोदय के इस मंशा को संकल्प के रूप में पारित किया था। बाद में मैंने राज्यसभा के सामने विधेयक रखा था, राज्यसभा का अनुमोदन हो गया है और ये विधेयक को मैं यहां लेकर आया हूं। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए। माननीय गृहमंत्री जी, आपने अभी एक रेजोल्यूशन को पाठ किए हैं, मैं दूसरे एक रेजोल्यूशन के बारे में आपको कहना चाहता हूं। 1994 22 फरवरी इस सदन में एक संकल्प लिया गया था, वो ये है दैट जम्मू एंड कश्मीर वॉज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट पाकिस्तान मस्ट वैकेट पार्ट ऑफ द स्टेट अंडर इट्स ऑक्यूपेशन, द टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन फॉलोज। ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, लेकिन आपको कोई कहने में मुझे ये नहीं लगता कि आप पीओके के बारे में सोच रहे हैं। आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन सर, एक मिनट, सब जनरल बात नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सा नियम तोड़ा है वो बता दे, मैं उसका उत्तर दूंगा। नहीं, वो तो इस तरह से जनरल बात नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो हमारा देश है, सबसे बड़ी पंचायत, हमारे नियम कौन सा तोड़ा है बता दीजिए प्लीज। गृहमंत्री जी, सारे दिन चर्चा होगी, आज सारे दिन चर्चा, आप बोलो, चर्चा भाग लेना, ये तो हमारे स्पीकर है। महोदय, अभी नियम नहीं है तो चर्चा में बोले वो। अच्छा ठीक है। श्री मनीष तिवारी जी, एक मिनट सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से, तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना, एक मिनट मुझे सुनिए साहब, इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकते। आपने अभी कहा नहीं, आप गलत फहमी मत फैलाइए। मेरा कहने बोलने दीजिए मेरे को, एक मिनट साहब, मैं आप बोल दीजिए, चले बोल दीजिए, बात बोलने दीजिए मेरे को, आप पूरा बात कीजिए। मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं गृहमंत्री जी, मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं और कुछ नहीं, हमें जानकारी चाहिए और कुछ नहीं, सारे चीज स्पष्टीकरण नहीं होता इसलिए हम पूछना चाहते हैं। आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर सिमला एग्रीमेंट किए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन किए, तो ये सारे चीज होते हुए ये कैसे इंटरनल मैटर माना जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी पोम्पियो से बात किया, उस समय भी ये कहा गया कि ये बायलैटरल इशू है, हमको ये सुलझाना चाहिए। तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा, नहीं ये चीज आप इंटरनल है या ये बायलैटरल है,
और आप ये क्या खुद कर सकते हैं? और अगले दिन क्या सिमला चुप्पी लाहौर समझौता नहीं रहेगा? ये हम जानकारी, ये आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो मर्जी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमें जानना चाहिए। सारे सारे जम्मू घाटी को कैद खाना बना दिया, जम्मू कश्मीर की कोई जम्मू कश्मीर की बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाउस अरेस्ट हो चुके हैं, ये लाखों की तादाद में कोर्ट से है, लेकिन आप अमरनाथ यात्रा बंद कर दिया, अब अधीर रंजन जी आपके नेता आपको जो बोलना है पूरी बात बोलना। अधीर रंजन प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी प्रस्ताव बिल के बारे में, नहीं बिल के बारे में बाद में, साहब इन्हें बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुग्रह है। साहब इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा है, मैं क्लैरिफिकेशन में एक क्लैरिफिकेशन पूछता हूं कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पेंडिंग है और यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बगैर मैं कहा ऐसे ये बिल लेकर कैसे आया? एक मिनट बैठ जाओ भाई। मैंने कहा आर वन में आप एक बोल देना। नहीं, हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। सुरक्षित चेयर पे नो, कोई डिस्टर्बेंस। माननीय गृह मंत्री जी, रिक्वेस्ट है कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं संसद के पटल पर बोलूंगा तो रिकॉर्ड पर जाएगा, मेरा इनसे निवेदन है कृपया वो रिपीट कर दे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भले दो मिनट सदन का व्यय हो साहब, ये बहुत जरूरी है, ये जरा रिपीट कर दे। सर बड़ी बड़ी खुशी है सर, अमित शाह जी बड़ी खुशी, मेरा ये जानना, मैं शंका में हूँ क्योंकि आप कहते हैं ये इंटरनल मैटर है, हो गया, आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया, लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो का इंटरनल मामला है, नंबर वन। सिमला एग्रीमेंट लाहौर समझौता हम लोग किए थे वो का इंटरनल मामला थे, ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखलअंदाज मत करो, तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धाजिया उड़ा के हमें समझना चाहिए, हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहा है। I want to be enlightened by you, the entire Congress party wants to be enlightened by you. It is a fundamental question. I want to be enlightened. गलत फहमी मत करिए, आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश की हित नहीं चाहते, ऐसा माहौल मत खड़ाइए, नहीं कभी नहीं। अध्यक्ष महोदय आपको जब पूरा बोलने का मौका दिया है तो गृह मंत्री जी की आप पूरी बात सुने। मैं माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य को हूं, आप किसी को गृह मंत्री नहीं बनाया है, आप बीच में जवाब मत दीजिए। आप भी माननीय गृह मंत्री जी की पूरी बात सुनिए, जब आपको मैंने मौका दिया है तो जवाब भी पूरा सुनना पड़ेगा माननीय गृह मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं आपको मौका दूंगा, आप बैठ जाए बीच में नहीं, आपको मौका दूंगा माननीय सदस्य, प्लीज विराजे। सभापति महोदय, कांग्रेस के सदन ने नेता ने एक मामला उठाया कि मैं जो बिल और संकल्प लेकर आया हूं इसके लिए सदन क्या अधिकृत है या नहीं। ये मामला 1948 में यूएन में पहुंचाया गया था, कश्मीर का विलय, और
इसके बाद की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो पाकिस्तान के साथ शिमला करार किया इसका भी जिक्र किया और उन्होंने एक तरीके से एक गृह की कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया है कि ये गृह ये विधेयक को चर्चा के लिए हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता है। मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये कानूनी है और इसके रिप्लिकेशन आने वाले दिनों में संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से भी पड़ सकते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में अनुच्छेद 370(1)(c) में द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 एंड ऑफ दिस आर्टिकल शैल अप्लाई इन रिलेशन ऑफ टू दैट स्टेट, मतलब जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक सभी राज्यों का संघ है और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है, उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद हमारी सबसे बड़ी पंचायत पूर्णतया कॉम्पिटेंट। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है, द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटरगल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता, इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम का दोनों चीजें मैं लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बालू साहब को कुछ कहें, माननीय गजीनंदन जी प्लीज आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। सर, जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे आप? मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अधिरंजन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज, माने प्लीज। हाँ सभापति महोदय, माने प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आप। और हमारे संविधान ने
जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। बालू जी, आई थिंक वी आर इन अ स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रॉब्लम बिकॉज माई फ्रेंड निखारी डोंट बी निखारी बिकॉज यू आर निखारी यू आर द कार्ट इज बिफोर द हार्ट योर होम मिनिस्टर ट्राई टू पुट द हार्ट बिफोर द हार्ट इट्स नॉट करेक्ट डोंट बी निखारी दैट इज वाई माई फ्रेंड हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा फारूक अब्दुल्ला I don't know where he is, whether he is in house arrest or arrested. Yes, sir. Mr. Omar Abdullah and the former chief minister Mehbooba, both were, we don't know where they are. First of all, Mr. Speaker, I am on a five judge. माननीय सदस्य आप मेंबर जजमेंट माननीय सदस्य आप विराजे जब माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन बात नो जब माननीय सदस्य प्लीज मैं आपको नो आपको चर्चा के समय आपको डिबेट के समय पूरा मौका दूंगा माननीय सदस्य आप जो बोलना है बोलना डिबेट पर आप बोलना हाँ डिबेट पे इश्यू उठा डिबेट शुरू हो चुकी नो प्लीज अब माननीय गृह मंत्री जी बिल पर प्रस्तावना करेंगे प्लीज आप डिबेट पर चर्चा करना उस समय बोलना आप डिबेट पर चर्चा होगी ना जब बोलना ना आप जितना बोलना चाहे बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय हाँ बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय प्लीज बैठ जाइए आपके सदस्य बोलेंगे डिबेट पर आप भी बोल लेना जिस भी माननीय सदस्य को बोलना है डिबेट पर बोलना अपने अपने दल के नेताओं से बात प्लीज आपको डिबेट पर चांस दूंगा आपको नो अभी बिल पर ऑब्जेक्शन नहीं आप जनरल बात बोल रहे हैं नो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा आपको बोलने का मौका दे दिया माननीय गृह माननीय अध्यक्ष जी ये सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे इस सदन के समय समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए ये महान सदन जो अपनी प्रतिबद्धता भारत की एकता अखंडता और सार्वभौमत्व के लिए कई बार व्यक्त कर चुका है वो महान सदन आज फिर एक बार एक ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखने वाला माननीय अध्यक्ष जी पूरी चर्चा का तो मैं बाद में जवाब दूंगा काफी सारे सदस्यों के मन में ये चीजें पड़ी हैं कि ये जो प्रस्ताव संकल्प और बिल मैं लेकर आया हूं उसकी कानूनी वैधता क्या है संवैधानिक पोजीशन क्या है तो मैं सबसे पहले सभी सभासद इस पर पूरी जानकारी के साथ चर्चा में हिस्सा ले सके इसलिए इसकी कानूनी और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं सभापति माननीय अध्यक्ष जी राष्ट्रपति महोदय ने कल एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 साइन किया है इसके तहत 370 के 1D का उपयोग करते हुए ये एक संवैधानिक ऑर्डर उन्होंने पास किया है जिसमें भारत के
संविधान के सारे अनुबंध जम्मू और कश्मीर के संविधान को लागू होंगे और इसका मतलब है कि 35A चली और 367 और 370 1D को एक साथ में पढ़ते हुए जो अधिकार प्राप्त होता है वो अधिकार के तहत राष्ट्रपति महोदय ने एक जहां जहां भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर लिखा गया है वहां पर इसको जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए इस प्रकार का भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर उल्लेख किया है। और एक रेजोल्यूशन है जो मैंने अभी पढ़ा जिसके तहत धारा 373 का उपयोग करते हुए कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में जो 370 का उपयोग हो रहा है इसको सीज करने का एक प्रस्ताव अगर सदन इसको अनुमति देता है तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों उनकी अनुकूलता से इसको साइन करके गैजेट में प्रसिद्ध करेंगे। और तीसरा बाइफर्केशन एक्ट लेकर मैं आया हूं, इस पर मैं बाद में बताऊंगा। सभापति महोदय, एक सवाल कल भी अपर हाउस में उठा था, आज भी काफी सारे सदस्यों के मन में ये बात है कि भाई ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है। मैं सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 जो है आर्टिकल 370 की धारा 3 को पढ़ना चाहता हूं और सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल द प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव और शैल बी ऑपरेटिव ओनली विथ सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एंड फ्रॉम सच डेट एज ही मे स्पेसिफाई। राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है एक नोटिफिकेशन निकालकर धारा 300 पढ़ता हूं पर बैठ अरे बैठो लो अरे पूरा सुनिए भाई पहले सुनिए बैठिए आप जो पूछेंगे सब चीज का जवाब दूंगा। बालू साहब मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। आप मुझे पहले सुनिए सभापति महोदय, इसका मतलब ये होता है कि धारा 373 का उपयोग कर राष्ट्रपति महोदय 370 को सीज कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। मगर उसमें राइडर डाला हुआ है प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रिफर टू इन क्लोज टू शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेसिडेंट इश्यूज सच ए नोटिफिकेशन। तो राष्ट्रपति महोदय तभी ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जब जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनुशंसा हो। तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार है उस पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा को बाद ही करने का एक राइडर संविधान ने लगाया। अब मैं आता हूं मान्यवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। मैंने जो पहले उल्लेख किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 निकाला है, इसमें राष्ट्रपति महोदय ने 367 रेड विथ 371D इसका अधिकार का उपयोग कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मींस लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू और कश्मीर ये शब्द प्रयोग किया है। तो अब ये अधिकार आता है जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि वो राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करे कि आप ये अधिकार का उपयोग कर सकते हो। अब काफी सारे सभासद होंगे ये कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं इतिहास उनको बताना चाहता हूं। इस प्रोविजन का उपयोग कांग्रेस ने इसी रास्ते से दो बार किया है, पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1965 में। 1952 में 371D का उपयोग करते हुए उन्होंने महाराजा की जगह सदर रियासत किया, महाराजा का नाम निकालकर सदर रियासत किया, और 1965 में सदर रियासत की जगह गवर्नर किया। मेरा इतना ही कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी इतना जो हो हल्ला कर रही है उनके शासन में दो बार राष्ट्रपति महोदय भाई अब आप महोदय ये ठीक नहीं है
महोदय ठीक नहीं, इतना जो हो हल्ला कर रहे हो इसका दो बार उपयोग राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग कांग्रेस के शासन में कैबिनेट की अनुशंसा से ही किया है, कैबिनेट मतलब सरकार। और अब आया असेंबली, अभी महोदय आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। राष्ट्रपति शासन धारा 356 के अंतर्गत लगता है, धारा 356 एक बी इसके हिसाब से असेंबली की पूरी सत्ता है, ये दोनों सदनों में निहित है, ये दोनों सदनों का जो भी अभिप्राय है वो ही असेंबली का अभिप्राय होता है। तो कल मान्यवर मैं राज्यसभा से अनुमति लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि ये सदन धारा 370 हटाने के लिए अनुमोदन मुझे देगा। ये दोनों चीजें जो मैंने रखी है ये संविधान का किस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी ने और भारत सरकार ने ये संकल्प और ये बिल मैं लेकर आया हूं इसको समझाने के लिए मैंने सदन के सामने रखा है। इस पर जो भी विवाद हो सकता है, जो भी आपकी तकलीफ हो सकती है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, तसल्ली से दूंगा, मगर हम वाद विवाद करें विटंडा वाद ना करें, वाद विवाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं एक बात कहता हूं, उसके सामने आप दो चीज खड़ी कर सकते हो, मेरा दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि मैं इसका जवाब दूं सदन को, परंतु हो हल्ला करेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं पड़ेगी। अब जहां तक बाइफर्केशन का सवाल है माननीय, बहुत समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि वहां पर एक यूटी बनाया जाए, इसलिए ये मांग के तहत हम जम्मू कश्मीर में दो यूटी लेकर आ रहे हैं। एक यूटी लद्दाख क्षेत्र की होगी जिसमें एक्साइज चीन भी समाहित होगा और वहां दोनों हिल काउंसिल जो बनी है वो चालू रहेगी और हिल काउंसिल के अध्यक्ष को मिनिस्टर का दर्जे के साथ वो अपना कार्यभार अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, जिसे स्थानीय नुमाइंदों की पूरी आवाज हिल काउंसिल के अंदर सुनाई देगी। तो किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने का सवाल ही नहीं। और जम्मू कश्मीर यूटी बनेगी वो बीथ असेंबली बनेगी, वहां एमएलए भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा चुने हुए ही होंगे और वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन का डे टू डे काम करेंगे। तो एक दूसरा बिल मैं लेकर आया हूं कि दो यूटी बनाए जाए और इसका भी मैंने जैसे पहले आगे कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आर्टिकल 1 और जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 3 दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो इसका भी पूर्ण अधिकार इस संसद को है। तो ये दोनों बिल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अब सारे लोगों को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है, जो पार्टियों ने लिस्ट दिए उसके हिसाब से रखे। मैं तसल्ली से एक एक सेकंड यहां बैठने वाला हूं, पूरा नोट करूंगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की मेरी तैयारी भी है, परंतु शांत वातावरण में चर्चा हो तो घाटी भी हमें देख रही है, देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। तो श्री मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विधेयक के ऊपर चर्चा करने के लिए इस सदन में एकत्रित हुए हैं। ये जो विधेयक का सरकार लेके आई है, ये जम्मू कश्मीर की का जो सूबा है उसे खारिज करके दो केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मसौदा लेके आज ये सरकार सदन के समक्ष। अपन मैंने लोकसभा रो ताजा चित्र देखो।